आज की जो रेसिपी है वो है नमक पारे, इनको नीमकी भी बोला जाता है या मटर भी बोला जाता है। ये बहुत ही बढ़िया स्नैक है और जब भी मुझे भूख लगती है ना मेरे यहाँ तो रेगुलरली बनता है, सो मैं कभी भी इसको मन चाहे खाता रहता हूँ। चाय के साथ खाएंगे तो और मज़ा आएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, मेरा नाम है कनिशा झिंगरा, शेफ की आड़ी। आज हम बनाएंगे नमक पारे। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो 15 से 20 मिनट हमने डो को रेस्ट दे दिया था, अब हम इसके नमक पारे बना लेते हैं। ये देखिए, अब एक बार इसको और अच्छी तरीके से हम लोग नीट कर लेंगे। सो मैं अब इस डो को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। अब इसका जो एक पार्ट है इसको हम लोग बेल लेंगे। सो मैं यहाँ पर इसको बेलने के लिए थाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नीचे मैंने डस्टर लगाया है ताकि हिले ना। अब इस पर हम लोग हमारे डो को बेल लेंगे। थोड़ी देर बेलने के बाद आपको इसको अब वन डायरेक्शन में ही बेलना है, इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देके, क्योंकि हमारा टाइट डो है ना। ये देखिए, मैंने इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके की रखी है, ध्यान रखिए आपको भी इतना ही थिक रखना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैं एक बेयरिंग नाइफ की मदद से इसको कट करूँगा। सो पहले इसकी एज में सीधी कर लूँगा। आपको इसके पतले पतले स्ट्रिप्स कट करने हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ ऊपर से इसको तिरछा काटना है ताकि थोड़ा डिजाइन आ जाए। सो मैंने डो को कुछ इस शेप में कट कर लिया है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। धीरे धीरे हमारे सारे नमक पारे अलग हो जाएंगे और इसको आपको ना मीडियम लो फ्लेम पे सेकना है आराम से, ध्यान रखिए मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। ध्यान रखिए आप स्टार्टिंग में नमक पारे को धीमी आंच पे फ्राई करें, फिर आप थोड़ी सी आंच बढ़ा लें ताकि हमारे नमक पारे खस्ता बने और एक अच्छा कलर आए इसके ऊपर। नमक पारे बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो जो आप मैदे में मोइन लगाएंगे ना, वो आप घी का लगाइए, अच्छा रहेगा। और मैदे और घी को अच्छी तरीके से हाथों के बीच में रब करिए, उसके बाद थोड़ा सा मैदा लीजिए और हाथ के बीच में दबा के देखिए, एक बॉल फॉर्म होगी, मतलब आपका मोइन सही लगा है। उसके बाद आपको टाइट डो गूंदना है। जब आप नमक पारे को फ्राई करेंगे ना तो धीमी आँच से चालू करिए, उसके बाद थोड़ी सी आँच बढ़ा दीजिए, हमारे नमक पारे खस्ता बनेंगे और एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा उसके ऊपर। ये थी आज के हमारे नमक पारे की रेसिपी। लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, बिकॉज बहुत ही आसान रेसिपी एंड कमाल की रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया स्नैक है। एंड शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब हम थोड़ा टेस्टिंग भी करके दिखा देते हैं नमक पारे कैसे लग रहे हैं। खस्ता क्रिस्पी, पूरा प्रॉपर कूल डाउन होने के बाद इसको आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए एक शेल्फ में, जो कि कूल एंड ड्राई प्लेस होनी चाहिए। 15 से 20 दिन आराम से चलेगा ये आपका। और इसी के साथ हमेशा की तरह खाइए, बनाइए, मज़े करिए, खुश रहिए, खुश रखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।